अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। तो यहाँ पे मैं सुबह सुबह उठी थी और मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ ली, कुरान पाक पढ़ रही, तो देखा तो दिन जो था ना वो काफ़ी रोशन हो गया था और बारिश हो रही थी, मौसम बहुत प्यारा हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। इतनी गर्मी के बाद अल्लाह पाक ने जो ना वो मौसम ठंडा कर दिया और यहाँ पे नमाज़ कुरान पाक पढ़ के फिर मैं सो गई थी। और तकरीबन यहाँ पे 9:30 बजे का टाइम था और हवा को आज छुट्टी भी थी, तो मैं तसल्ली के साथ सोई हुई थी कि आज हवा ने जो है ना वो स्कूल नहीं जाना, क्योंकि इसके पेपर हो रहे हैं, एक छुट्टी एक पेपर हो रहा है। तो यहाँ पे मेरे मियाँ जी जो है ना वो नान चने और पूड़ियाँ ले आए थे, और जो कि मुझे बहुत मज़े की लगती है। मैं काफ़ी दिनों से ना अपने मियाँ जी से फरमाइश कर रही थी कि मुझे ना पूरियाँ चने खानी हैं। हम लोग गए भी थे, मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था कि हम लोग जिस दिन नान चने नाश्ता करके आए हैं उस दिन हम लोग एक्चुअली में पूरियाँ चने खाने जा रहे थे, लेकिन वो शॉप जो थी ना वो बंद थी, तो इस वजह से हम लोग फिर नान चने खाएँ। और ये मुझे इतने पसंद है ना, हम लोग बचपन से इनकी जो है ना नान पूरी चने पूरियाँ जो है ना वो हम खाते आए हैं, क्योंकि लेके आते होते थे नाश्ते में तो हम लोग इतने शौक से खाते होते थे ना। तो लेके अबू ने 2 ही पूरियाँ सबको, हर बंदे के हिस्से में 2-2 पूरियाँ आनी, और इतना मज़ा आता था। इनके चने इतने मज़े के होते हैं ना, मैंने बड़े लोगों के ना पूरियाँ चने खाए, लेकिन इस तरह का टेस्ट मुझे आज तक कहीं नहीं मिला। और ये देखे 9:30 बजे का टाइम है और मेरे मियाँ जी ना यहाँ पे नाश्ता लेके आए थे, और आंखें मेरी खुल नहीं रही थी, इतनी मुश्किलों से उठ के मुँह हाथ धोया, फिर नाश्ता किया, और हवा यहाँ पे अभी तक सोई हुई है, और मौसम बहुत ही प्यारा था बाहर। तो हम लोग फिर इसलिए मेरे मियाँ जी जो है ना ये वाला नाश्ता लेके आए, क्योंकि वो बाहर किसी काम से गए थे, तो उन्होंने कहा कि चलो अब बेगम तो सोई होगी, चलो हम लोग ना ये ले जाता हूँ अपनी बीवी के लिए, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं फरमाइश कर रही थी। तो कहते हैं ना कि जो बच्चों की जो ख्वाहिशें होती हैं, बेटियों की जो ज़रूरतें ख्वाहिशें जो होती हैं, वो जो होते हैं ना वो अब्बू ही पूरी करते हैं। अगर शोहर अच्छा हो, प्यार करने वाला हो, तो शोहर भी जो है ना वो ख्वाहिशात जो है ना पूरी करता है। यहाँ पर हवा उठ गई थी, मैं हवा के लिए मैंने रख दी थी, और अब मैं हवा को नाश्ता करवाऊँगी। तो मुझे इतनी आज खुशी हुई कि मेरे मियाँ जी को याद था कि मैंने फरमाइश की थी उनसे, तो उन्होंने उनको आज मिली टाइम से ले आए, तो बस बहुत ज़्यादा खुशी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शोहर जो है ना वो बहुत अच्छे हैं, बहुत केयरिंग है, बस जब कभी कभार गुस्सा आ जाता है ना फिर नहीं ये कुछ भी देखते, बस चीज़ें उठा उठा के फिर मारते हैं। वो तो भी खैर हर किसी को जाहिर सी बात है गुस्सा आता है, फिर गुस्से में गुस्सा तो वो शैतान का होता है ना, तो भी गुस्से में कुछ भी नहीं देखते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेरा करते हैं, अपनी बेटियों का भी बहुत करते हैं, जो फरमाइश करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरी करते हैं। आप लोग मेरी वीडियो उसमें देखा होगा, मैं कुछ ना कुछ खाती रहती हूँ, कोई ना कोई मेरी फरमाइश चलती रहती है, तो बस मेरी ज़रूरतें जो है ना वो पूरी करते हैं कोई भी। तो इसलिए मेरा तो ये कहना है कि अगर बाप जो है ना वो अपनी बेटी की ख्वाहिशात पूरी करते हैं, उनकी ज़रूरतें पूरी करते हैं, तो जो शोहर अगर अच्छे हों तो वो भी अपनी बीवी के लाड़ उठाते हैं। तो बस शादी के बाद यही होता है, शादी से पहले अम्मी अबू औलाद उठाते हैं, शादी के बाद शोहर औलाद उठाते हैं, जब औलाद बड़ी हो जाती है फिर औलाद जो है ना वो लाड उठाते हैं। तो बस यहाँ पे हवा को मैं नाश्ता करवा रही थी, हवा को बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन हवा ने जो पूरी है ना वो चनों के साथ नहीं खाई, अचार के साथ खाई। से अचार का बस होता है, कोई भी चीज़ हो ना, रोटी वगैरह पराठा वगैरह कुछ भी हो अचार के साथ दे दो, तो माशाल्लाह से शौक से खा लेती है। ठीक है, आप ट्यूशन जाना, आपने पढ़ना है, पेपर हो रहे हैं लाडे। आज मौसम कैसा है? बहुत अच्छा है ना, सुबह इतनी बारिश हुई थी ना। मौसम देखिए कितना माशाल्लाह से प्यारा है, बादल कितने अच्छे लग रहे हैं, आसमान कितना प्यारा लग रहा है, हर तरफ ग्रीनरी, क्योंकि बारिश हुई थी, मौसम बहुत प्यारा हो गया, और जो पौधे वगैरह थे ना वो भी निखर के कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग जा रहे थे अपने ससुराल की तरफ, मतलब मैं अपने ससुराल जा रही थी और मेरे मियाँ जी अपनी मम्मी की तरफ जा रहे थे, तो यहाँ पर इतना प्यारा व्यू था, मैंने कहा चलो थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त व्यू लग रहा था माशाल्लाह से, देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। काफ़ी देर के बाद
बारिश हुई, इतना पिछले दिनों इतनी गर्मी थी ना बहुत ज़्यादा, तो मेरे मियाँ जी यहाँ पे पीछे छोड़ के चले गए और हम लोग यहाँ पे ज़रा रोड जो ना सड़क ज़रा बन रही है, मतलब चलो कच्ची सी है ना ध्यान मट्टी से, वाली, तो इतनी चलो चलो अच्छी नहीं है, तो मेरे मियाँ जी को ज़रा ध्यान से, काम इधर था हो के और चलो, मैं उधर हो बाहर के ही क्यों चल छोड़ के रही हो? चले गई। अब यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं अपने सास की तरफ। बनाई तो थी। देखिए कितना प्यारा व्यू है, आसमान बहुत प्यारा लग रहा था। हवा कहती थी मम्मा यहाँ पे ना वीडियो बनाओ आसमान के, तो मैंने कहा बना ली है मैंने। तो यहाँ पे ये देखिए इर्द गिर्द कोई भी, अभी ये नया टाउन बन रहा है तो अभी मतलब इतनी आबादी नहीं है यहाँ पे, बस एक मेरी सास का ही घर है, इर्द गिर्द खाली है बिल्कुल। ये लगता गाँव है लेकिन ये गाँव है नहीं, क्योंकि ये नई कॉलोनी जो है ना यहाँ पे अभी बन रही है, तो इस वजह से इतनी यहाँ पे जानवर वगैरह भी बहुत ज़्यादा होते हैं, ये डॉग वगैरह ना, तो इस वजह से ज़रा ना गंदा गंदा सा लगता है। तो जब सफाई वगैरह होना तो बड़ा अच्छा लगता है, बस आजकल मौसम ही इस तरह का है, इस वजह से बारिश वगैरह हुई थी उस वजह से भी कुछ गंद लग रहा था। अब आपको अपने दादू के घर आके ना बहुत मज़ा आता है, इसका यहाँ से जाने को दिल ही नहीं करता है, इसे बहुत यहाँ पे आके ना इंजॉय करती है, बहुत खिलती है यहाँ पे ना। तो बस अपने चाचू से ज़िद कर रही थी कि चाचू मैंने ना जाना है आपके साथ, रो रही थी, तो मैंने कहा चलो हम ना खुद ही ना सुबह दादू के घर चलेंगे। ये अगले दिन की वीडियो है, बस हम लोग घर आ गए थे तो बस खाना वगैरह खाया हम लोग घर आ गए, वो वाली मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई, तो बस ये अगले दिन की वीडियो है। बारिश हो रही थी, मौसम बहुत प्यारा हो गया था और यहाँ पे हवा स्कूल जा रही थी और हवा ने यहाँ पे ग्लासेस लगा लिए थे, क्योंकि आजकल ना आंखों का इन्फेक्शन ना बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो मेरे मियाँ जी ने कहा इसे ना ग्लासेस लगा के भेजो, क्योंकि एक दूसरे से ये बीमारी लग जाती है, इन्फेक्शन लग जाता है। तो हवा को वो कह रहे थे कि है ना ग्लासेस बिल्कुल भी नहीं उतारनी है वरना आपको ना इन्फेक्शन हो जाएगा। तो बस हवा कहती, हवा भी शौक से लगा गई क्योंकि ग्लासेस थे, उसे वैसे भी लगाने का शौक है, कहती अच्छा जी अब्बा जी मैं बिल्कुल भी नहीं उतारूंगी। तो बस आप लोग भी अपनी आंखों की सेफ्टी करें, अगर किसी को इन्फेक्शन है तो उसे ज़रा दूर ही रहें, ग्लासेस लगा के रखें, अपनी सेफ्टी करें। तो बस ये थोड़ी सी एहतियात करने से हम लोग बहुत बड़े मसले से बच सकते हैं, ये भी एक इन्फेक्शन है जो तकलीफ़ दे होता है, तो बेहतर है कि आप लोग एहतियात करें ताकि आप लोगों को तकलीफ़ भी ना हो और आपकी वजह से किसी और को भी इन्फेक्शन ना हो। बस ये आज की वीडियो यही तक थी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। रहे हैं खीरे जो कि बहुत ही मज़े के लग रहे हैं और हमेशा की तरह वही चाट मसाला जो कि मैं यूज़ करती होती हूँ, मुझे बहुत मज़े का लगता है।